हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 3 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 4 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं टाइप 4 क्या कहता है प्रश्न, ठीक है। एक नंबर, 4/5, 3/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या करेंगे, 7/8, 6/7 और 5/6। नीचे वाला देखिए कि हर जो है ना सबका बढ़ा है, अंश से हर सबका बढ़ा है। तो हम अपने मन से सब में एक जीरो बैठाएंगे ऊपर में, ठीक है। अपने मन से एक जीरो बैठाना है। चलिए, यहाँ पे अगर भाग लगाएंगे तो 5×8=40, यानी कि 8 बार में यहाँ कटेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो 8×7=56, 8×8=64, 64 के बाद कितना हासिल आएगा, 64×6=70, 6×0=8×7=56, यानी कि 8.7 आएगा। यहाँ पे करेंगे तो 7 से करेंगे कितना बार में, 7×8=56, 4×0=7×6=42, ठीक है। तो 6 बार में ही लगेगा। यहाँ पे 8×6=48, 2×0=6×3=18। ओके, हमको क्या कह रहा है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में लिखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आरोही और एक होता है अवरोही। ओके, तो देखिए कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 8 है। 8 का वैल्यू क्या था, 4/5, 4/5। इससे बड़ा क्या है, 8.3। इसका वैल्यू क्या है, 5/6। उससे इससे बड़ा क्या है, 8.6, 8.6 किसका वैल्यू है, 6/7। इससे बड़ा कौन है, 8.7, तो 8.7 किसका वैल्यू है, 7/8। यानी कि इस क्रम में जो व्यवस्थित होगा, 4/5, 5/6 वाला, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। सो राइट आंसर होगा 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊपर में आरोही था मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ क्या करना है, घटते हुए क्रम में। 3/5, 7/9 और 11/13। अपने मन से क्या करेंगे, एक जीरो सब में बैठाएंगे। ओके, 5 से काटेंगे तो 6×5=30, यहाँ 6 बार में कट जाएगा। यहाँ काटेंगे 5, 9 से तो 9×8=72, 9×7=63 और 7×0 फिर 9×7=63 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13×8=104, फिर 6×0, 13×8=104 होगा ना, 6×0, 13×3=40, 13×4=52, यानी कि यहाँ 8.4 होगा। तो हमको किस क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही मतलब क्या, अब घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में लिखने का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक क्या है, 11/13। उसके बाद क्या, इससे छोटा क्या है, 7/9, ठीक है। ये जीरो हटाकर लिखना है, जो अंक था 100। और सबसे छोटा क्या है, 6, कितना आपका वैल्यू, 3/5, यानी कि 11/13, 7/9 और 3/5 देखिए कहाँ है, 11/13, 7/9, 3/5, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित को भिन्न को यदि आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब क्या, घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो किस प्रकार लिखा जाएगा। ओके, तो 4/3 है, 2/9 है, 7/8 है, 5/12 है, ठीक है। यहाँ पे इसमें माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 3 से भाग लगाएंगे, 3×3, ठीक है, यहाँ पे 3×3 होगा। और फिर अगर हम लोग 1×0 अगर बैठा लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आसानी हो जाती है भाग लगाने में। ओके, तो 1×0 हम लोग बैठा लिए। अब लगाएंगे 3 से, तो 13×3=39 होता है, 13×3=39, 1×0 मतलब 3×3=9, यानी कि इसका आ जाएगा 13.3। इसका आ जाएगा माइनस में 9×2=18 पॉइंट, फिर 9×2=18। ओके, यहाँ पे माइनस में आएगा 9×7=63, 9×72, 9×7=63, फिर 7×0=9×7=63। ओके, यहाँ करेंगे 12×4=48 पॉइंट, 12×4=48 होगा ना, फिर 2×0, 12×1=12, यानी कि इतना।
अब हमको व्यवस्थित करना है किसमें, आरोही क्रम में, सॉरी आरोहण क्रम में। आरोहण मतलब वही आरोही क्रम में, ठीक है। आरोहण मतलब क्या, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या, सबसे पहले सबसे छोटा, ओके, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और सब लास्ट में क्या, सबसे बड़ा डिजिट, ओके। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, देखिए अब जो माइनस में बड़ा वैल्यू होगा वो प्लस सबसे छोटा वैल्यू होगा, ठीक है। माइनस में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। तो माइनस में सबसे बड़ा वैल्यू है 7.7, जो कि इसका वैल्यू है 7/8 का। तो ये सबसे बड़ा मतलब कि क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा। उसके बाद ये वाला वैल्यू होगा क्या, -2.2, तो 2/9। उसके बाद कौन सा वैल्यू होगा, देखिए 4.1 बड़ा कि 13.3 बड़ा, तो 4.1 बड़ा। 4.1 किसका वैल्यू है, 5/12 का। और उसके बाद सबसे लास्ट में 13.3 यानी कि 4/3। तो इस प्रकार जिस क्रम में व्यवस्थित होगा वही इसका आंसर होगा, -7, 2/5/ और 4/1 नंबर ऑप्शन। ओके आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर, निम्न में से कौन सही है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए कि क्या कहा है, 2/3 बड़ा है 3/5 से, ये बड़ा है 11/15 से। कहने का क्या मतलब कि 11/15 सबसे बड़ा है, उसके बाद 3/5 बड़ा है, मतलब ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है, सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सच में क्या आरोही क्रम में ये व्यवस्थित है या नहीं। तो ऊपर में अपने मन से सब में 0 बैठा लेते हैं, ओके। 3 से करेंगे तो 3 6 18 पॉइंट 2 0, फिर 3 6 18 इतना आ गया 6.3। यहाँ पे करेंगे तो 6 5 30 से हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 15 96 15 7 105.50 15 3 45, ओके। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो कहता है कि सबसे, ये अकॉर्डिंग जो है क्या है कि सबसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है, लेकिन ये आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। अगर इसको हम लोग आरोही क्रम में अपने मन से व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले छोटा डिजिट, छोटा डिजिट क्या होगा, 6, 6 का वैल्यू कितना है, 3/5। अब इससे बड़ा, 6 से बड़ा क्या है, 6.6 यानी कि 2/3। अब इससे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, 11/15, जिसका वैल्यू कितना है, 7/7.5। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये। तो देखिए इस प्रकार का है, 3/5, 2/3 और 11/15, 2 नंबर ऑप्शन। ओके आगे बढ़ते हैं, 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दो को कथन दिए हुए हैं, दोनों को चेक करना है, ओके। तो दोनों का अगर हम लोग चेक करते हैं तो 3/71, 5/91, 7/99। अब यहाँ पे अगर 1 0 बैठाएंगे तो काम चलेगा नहीं, 2 2 0 बैठाना होगा, ओके। चलिए 71 से भाग लगाएंगे, देखिए ये क्या कहता है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। अगर 71 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 4 28, 280 और 4 84 यानी कि 4 पॉइंट कितना आएगा, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ करेंगे तो 9 5 45, यहाँ 5 बार में लगेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट एक लगाते हैं, यहाँ 4 बार लगेगा, यहाँ 5 बार लगेगा, लगेगा ना। 9 5 45, 450, यहाँ से 99 से यहाँ 6 बार लगा सकते हैं और 7 बार लगा सकते हैं, 99 × 7 700। यानी कि सही बात है कि 4 से ये बड़ा है, 5 से ये बड़ा है, तो ये जो हमारा कथन है ये तो सही है, ठीक है। यानी कि कथन एक मेरा सत्य है। कथन दूसरा देखिए, 11/135, 12/157 और 13/181 कह रहा है कि ये घटते हुए क्रम में, ठीक है। घटते हुए क्रम में क्या कि ये वैल्यू सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, देखने के लिए अपने मन से 2 0, क्योंकि 1 0 से तो काम चलने वाला है नहीं, सब में 2 0 बैठा लीजिए, ओके। तो 1100 को अगर हम लोग 135 से अप्रोक्सीमेट भाग लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भाग लगाना है अप्रोक्सीमेट, तो 13 7 91, 13 8 104, 8 104 यहाँ 8 बार में लगाएंगे तो ये 8 बार में लगेगा, ठीक है। ये 8 बार के अप्रोक्सीमेट जाएगा, ये 157 है, 1200 में जाएंगे तो 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, मतलब क्या, 15 8 120 यानी कि यहाँ पे 120, और यहाँ पे देखिए 7 है तो कुछ ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 15 7 105 यानी कि 7 बार लगाना होगा। 181 से 1300 बार में जाना है तो 18 6 108, 18 6 में 108 हो जाता है, ठीक है। और फिर 18 7 करेंगे तो कितना, 126, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि हाँ 6 से ये बड़ा है,
सात से ये बड़ा है, यानी कि ये जो मेरा दूसरा भी कथन है ये भी मेरा कथन सत्य है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों मेरा कथन जो है कहीं ना कहीं सत्य हो रहा है। ऑप्शन में देखिए कि 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है कि कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं टाइप 5 के भी फर्स्ट नंबर प्रश्न को क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छोटी है? छोटी है तो 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। अपने मन से 1-0। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 13 8 104, 13 7 91, यानी कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ 7 बार में लग जाएगा। ओके, 26 से इसको काटेंगे तो 26 से यहाँ 13 दूना 26, यहाँ 35 दूना 7, सॉरी 8 दूना 16 और 85 दूना, ठीक है, 13 से अगर काट लेते अब तो 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 13 7 91 होगा, 13 6 78 और 2 80, 5 और 2 7 7 0, 13 5 65 यानी कि 6.5 आएगा यहाँ पे। इसको अगर काटेंगे तो 40 से 7 6 28 यानी कि यहाँ आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आएगा सो देखिए, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट नहीं, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। 13 7 91 तो 13 7 91 होता है ना, 13 6 78, ओके 78 और 2 80, 10 और 2 12, 112 हो जाए, 120 होगा, 13 9 104, सॉरी 13 8 104, 13 9 117, यहाँ आएगा 6.9। ओके, और यहाँ पे 7 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे अगर काट लेते हैं, ये कटेगा 26 दूना 52, ये कटेगा 2 1 2 1, 6 दूना 12, 1 5 दूना 10, 165, 26 से कितना माने 25 6 25 25 125, 25 6 150 यानी कि यहाँ पे 25 6 150 156 हो जाएगा, 460, 5 4 9 0, 26 दूना 52, 26 3 आई यहाँ पे 3 बार में, यानी कि सबसे छोटा ही सम्यक देखिए हमको सबसे छोटा यही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 33/52। सो राइट आंसर देखिए कि 33/52 सबसे छोटा है या नहीं, 33/52 एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है? ओके, 108 से विभाज्य का मतलब क्या है कि वो संख्या क्या होना चाहिए, 3 से भी भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो 3 से भाग लगना चाहिए, तो देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4 4, ये तो नहीं कटेगा, 4 और 1 5, ये भी नहीं कटेगा, 6 और 1 7, 7 तो 3 से नहीं कटता है, लेकिन 8 और 1 9, 3 से कटता है, जो 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा जो कि ये 108 से कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, ये समझे ना कि कैसे 3 से कटना चाहिए, क्योंकि अगर 108 का हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो 108 12 9 108 होता है, यानी कि 9 है, तो 9 कहीं ना कहीं 3 से कटना चाहिए, या फिर 9 के टेबल में उसका मल्टीपल आना चाहिए, 8 और 1 9, 9 से 9 कटता है, इसलिए यही एक संख्या होगा। ठीक है, कहता है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से बड़ी भिन्न कौन सी है? 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। ओके, भाग सबको 1-0 बैठा लीजिए। ओके, 7 8 56 पॉइंट, फिर 4-0, 7 5 35, ओके यहाँ पे करते हैं, 8 6 48, 2-0, 6 3 18 यहाँ पे करेंगे, 8 7 56, 8 8 64 पॉइंट, 8 8 64 पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा, 64 6 0, 8 7 56 यहाँ पे, 8 5 40, हमसे बड़ी भिन्न ने पूछा है, तो इस सब में सबसे बड़ा हमको 8.7 नजर आ रहा है, 8.7 मतलब कितना, 7/8 का वैल्यू, 7/8 देखिए कहाँ है, 7/8 यहाँ नहीं है, 7/8 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। 0.9, 0.9 पे रेकरिंग है, 0.09 पे रेकरिंग है और 0.09 पे डबल रेकरिंग है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं तो इसको लिख सकते हैं 9/10, इसको लिख सकते हैं 9/10। ठीक है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, जय गो संख्या तय गो लिखेंगे 9, और बट्टा में लिखा जाता है ना कि जितना पे रेकरिंग है उतना 9। ठीक है, तो रेकरिंग कै गो पे है, एगो पे रेकरिंग है तो 1 ही 9,
एक ओ पे रेकरिंग है तो एक नौ, नौ से नौ कट जाएगा तो एक यहाँ आ जाएगा। ओके, इसको लिखेंगे क्या, 0.099 है तो हम लोग लिखेंगे नौ, बट्टा में क्या लिखेंगे, नौ, क्या गो नौ लिखेंगे, जय गो पे रेकरिंग होगा तय गो नौ, ठीक है। तो रेकरिंग कै गो पे है, तो सिर्फ एक गो पे रेकरिंग है, देखिए सिर्फ नौ पे रेकरिंग है, ओके, तो नौ। और बैठाया जाता है दशमलव के बाद, क्या है वो अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो एक वो अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो इस पे एक जीरो बैठेगा, यानी कि 9 * 9 = 9, 9 * 10 = 90, यानी कि 1/10। ओके, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 9/10 में कई अंक है, 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 * 9, ठीक है, हो गया 9 * 9 = 11, 9 = 99। चलिए अगर अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा, तो इसको अगर अब हम लोग सिर्फ पॉइंट में तोड़ते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग सबको तोड़ेंगे ना, तो सब कुछ ना कुछ पॉइंट में ही देगा, क्योंकि ऊपर वाला डिजिट जो है छोटा अंक है, देखिए 9 छोटा है 10 बड़ा है, यहाँ 1 छोटा है 10 बड़ा है, यहाँ 1 छोटा है 11 बड़ा है, तो हमेशा जो है ना ये सबका अगर आप लोग पॉइंट में लाइएगा तो 0 point something आएगा, लेकिन ये जो एक संख्या है एक, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये एक सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 0.9 पे रेकरिंग 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5, 2, 5, 0, 6 एवं 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। सबसे बड़ी संख्या मतलब क्या, सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या लीजिए 8, उसके बाद बड़ा क्या है 6, उसके बाद बारह क्या है 5, उसके बाद 12 2 और सबसे लास्ट में 0, यानी कि क्या बना 86,520। इससे बड़ा संख्या आप नहीं बना सकते हैं। 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या, तो सबसे पहले यदि आप 0 ले लेते हैं तो 0 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 8 लिखिएगा, तो ये पहले में 0 है, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये जो डिजिट बनेगा ये कै डिजिट का बनेगा, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या बनेगी, लेकिन हमको बनाना क्या है 5 अंकों की, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा प्रश्न इसीलिए डालता है ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो हमको 5 अंकों की बनाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा डिजिट जो होगा 100, 0 छोड़कर 2, उसके बाद 0 लिखेंगे और उसके बाद जो संख्या है उसको लिखेंगे 5 6 8, तो ये हो गया 5 अंकों की संख्या। अब बस इसी दोनों का अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 4, 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, 65,992, 65,992 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 6, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। तो एक सूत्र होता है जितना प्लस उतना डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्या कहता है कि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी, उतनी प्लस जितनी डिवाइड बाई 2, ठीक है, उतना प्लस जितना डिवाइड बाई 2, जो भी संख्या दिया है उस दोनों को जोड़ दीजिए और बट्टा में 2 से भाग कर दीजिए, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106 डिवाइड बाई 2, 106 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा 5 और 3 53, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 53, 4 नंबर। ओके, आगे 7, 1.5, 1.05, 1.05, देखिए यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, ठीक है, ये डॉट है, ठीक है, एक प्रकार से इसको रेकरिंग ही कह सकते हैं 1.5। और इसमें कहता है देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डिजिट और ये डिजिट दोनों सेम टू सेम है, और ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे 1.5 पे डॉट है, या फिर इस पे डॉट बैठा लीजिए या फिर इस पे डॉट बैठा लीजिए, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा संख्या जो इस पे डॉट है, ठीक है। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब क्या डॉट का मतलब क्या होता है कि 1.555 रिपीट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ है तो ये जस का तस इतना ही वैल्यू होगा, यहाँ पे है 1.055 पे डॉट है, यानी कि 5 5 रिपीट होगा, ठीक है, और यहाँ तो 1.5 है। अब देखिए कि 1.5 मतलब क्या, डेढ़ के अप्रोक्स, यहाँ 1.05 मतलब क्या, 1.05 1 रुपया 5 पैसा, यहाँ 1 रुपया 55 पैसा, यहाँ 1 रुपया 5 पैसा, यहाँ भी 1 रुपया 5 पैसा के प्रोक्स है, यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा है, लेकिन सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 1 रुपया 55 पैसा। एक देखिए 1.55 का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया 55 पैसा के अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, चार, सबसे बड़ी संख्या। ओके आगे बढ़ते हैं, आठ नंबर देखिए, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से छोटा है। 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा, इसको अगर हम लोग भिन्न को बदल लेते हैं कि इसके बीच में क्या आएगा, 7 चौक 28.20, 5 चौका 20, 8 छक 48.20, 6 3 18, इस दोनों के बीच में कौन सा भिन्न है। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट नंबर ऑप्शन लेते हैं तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5, 0.5 क्या इसके इसके बीच में है, नहीं है। दूसरा नंबर लेते हैं 2/3, 2/3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, सॉरी सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या किए थे, जैसे ऊपर में जीरो बैठाए थे तो ऑप्शन में भी जीरो लेना होगा। ओके तो एक नंबर ऑप्शन थे 1/2, ऊपर में जीरो लेंगे 2 से 5 बार में, 7 और 5 8 के बीच में 5 नहीं आता है तो इसलिए सही बात है कि गलत हो जाएगा। 3 लेंगे तो 6 3 18 पॉइंट, फिर आएगा 6 3 18 6 6 आएगा जो कि 7 से स्टार्ट है, 6 नहीं आएगा बीच में। 4 3 नंबर ऑप्शन है 4/5, ऊपर में जीरो लगाएंगे तो 8 5 40, यानी कि 7.5 से 8.3 के बीच में 8 आ रहा है तो ये ऑप्शन होगा। चौथा भी देख लेते हैं 9/10, 10 बैठाएंगे, 10 से 9, 9 जो कहीं ना कहीं है कि 8.3 से ज़्यादा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3 नंबर जो कि इस दोनों के बीच में है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 9, पी बराबर -0.12, क्यू बराबर -0.01 और आर बराबर क्या है, -0.015। हमसे पूछा है कि तीनों के बीच संबंध बताना है, अगर हम लोग निगेटिव छोड़कर चले, ठीक है। देखिए होता क्या है कि निगेटिव जो होता है ना, पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट क्या होता है, निगेटिव वैल्यू। ठीक है तो अगर हम लोग इसको पॉजिटिव मान ले तो 12 बड़ा है कि 1 बड़ा है कि 15 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, सबसे बड़ी अभी संख्या क्या हो जाएगी इस तीनों में, पी हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ओके उसके बाद जो बड़ी संख्या होगा सो कौन सा होगा, 0 पॉइंट। देखिए प्रश्न समझिए इस प्रकार से, अगर हम सबको 3 डिजिट बना ले, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है तो इसको 3 डिजिट बना लेते, 0 यहाँ भी 0 और यहाँ तो ऑलरेडी है ही 3 डिजिट तो इसको भी 0 कर लेते। ओके तो ये अगर हम लोग 3 डिजिट में ये नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ इसके बाद 3 डिजिट पहले ही से मौजूद है, तो देखिए यहाँ पे 120 बड़ा कि 10 बड़ा कि 15 बड़ा। अब आप देखिए कि पॉइंट के बाद 120 है, यहाँ पॉइंट के बाद 10 है, यहाँ पॉइंट के बाद 15 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 120, तो 120 लिखें। उसके बाद क्या हो जाएगा सबसे बड़ा वैल्यू, आर, तो आर लिखेंगे, और सबसे छोटा सबसे बाद में क्या हो जाएगा, क्यू। लेकिन यही जब ये तो पॉजिटिव केस का है, ठीक है ये पॉजिटिव के लिए, ठीक है अब निगेटिव के लिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्यू जो होगा सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके उसके बाद आर हो जाएगा सबसे छोटा और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, पी। ठीक है तो ये निगेटिव केस के लिए क्या बनेगा, पी सबसे पहले क्या होगा, पी उससे बड़ा क्या होगा, आर और उससे बड़ा क्या होगा, क्यू। यानी कि इसी को अगर हम लोग देखिए ये इस प्रकार नहीं इस प्रकार लिखिए, पी आर और तब क्यू, इस प्रकार आपका ऑप्शन में है, पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है ऑप्शन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं, 10, वह सबसे छोटी संख्या भिन्न बताइए जिसको 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/3, 4 पूर्णांक 1/4 और 5 पूर्णांक 1/5 के योग्य में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्ण संख्या बन जाए। पूर्ण संख्या मतलब क्या कि बट्टा का वैल्यू हट जाए और वह एक डिजिट बन जाए। ठीक है मतलब क्या, परिमेय, वो परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या तो पी वाई क्यू के रूप में होता है, वो ऐसा संख्या बन जाए ना नंबर के टर्म में बन जाए, ठीक है बट्टा नहीं रहे। तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, 1/2, 3 पूर्णांक 1/3, 4 पूर्णांक 1/4 और 5 पूर्णांक 1/5, इस 4, 5, 3 और 2 को आप अलग अलग जोड़ सकते हैं। ठीक है तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 4 9 5 14, तो जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 14। ठीक है ब्रैकेट, अब अंदर वाले को जोड़ना है, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। देखिए ये जो 14 है ये तो आपका एक प्रकार से अति क्या कह सकते हैं, ये तो पूर्णांक ही है, ठीक है क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो ठीक है और प्लस के बाद का काम करना है, 5 4 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 60, 2 से 30 बार में, 3 से 20 बार में, 4 से 15 बार में, 5 से 12 25 60, इस सबको जोड़िए, 30 20 50 10 60 10 70 और 7 77
बट्टा 60। अगर हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो एक बार भाग लगेगा, ठीक है। देखिए 60 एकम 60 तो एक निकलेगा, तो 14 में से 14 में एक इधर से निकल कर और जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 60 एकम 60 तो कितना आ जाएगा ऊपर में 17 बट्टा 60। ओके, अब हमारे कहने का क्या मतलब है कि ये तो हमारा पॉजिटिव, सॉरी ये तो हमारा पूर्णांक है ही, हमको पूर्णांक किसी को बनाना है 17 बट्टा 60। तो इसमें हम लोग क्या जोड़े, इसमें हम लोग क्या जोड़े कि ये कट कर क्या हो जाए, सिंपली वैल्यू हो जाए, ये बट्टा का हट जाए। ओके, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या जोड़ सकते हैं। तो आप अगर 17 बट्टा 60 में, देखिए 17 बट्टा 60 में क्या जोड़िएगा, तो 43 बट्टा 60 जोड़ कर देखिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए 43 बट्टा 60 क्या हो जाएगा, 60 60 60 ऊपर में 43 और 17 जोड़िएगा तो हो जाएगा 60 60 से 60 कट जाएगा, यानी कि एक बार में। तो इस दो ये सबको काट कर क्या हो गया, पूर्णांक में आ गया एक, जो कि क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्या जोड़ना चाहिए, 43 बट्टा 60। ओके, आगे बढ़ते हैं, 11, 5 बट्टा 113, 7 बट्टा 120, 13 बट्टा 200, 145 तथा 17 बट्टा 160 में बड़ा भिन्न कौन सा है, तो 5 बट्टा 113, 7 बट्टा 120, 13 बट्टा 145, 17 बट्टा 160। क्या करिए, 2 जीरो बैठाइए अपने मन से। ओके, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो। ओके, अगर हम लोग इसको लेकर चलते हैं पॉइंट में, ओके, तो कितना आएगा, 13 से काटेंगे 113 है, ठीक है। 112 में ये तो 155 होगा, लेकिन 104 ही लगेगा, ठीक है, 400 13 चौका 52, मतलब वो 4 पॉइंट यहाँ समथिंग आएगा, समथिंग जो भी आए, ठीक है, आएगा जो बाद में उसको बाद में देखते हैं, क्या ही ऐसा ही नहीं हो कोई। और 12 से इसको काटते हैं तो 12 25 60 पॉइंट 60 आया ना, 60 पॉइंट, 10 0 12 8 96, यानी कि 6.8 आया। इसको अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो इसको काट लेते हैं 5 से पहले, तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10, 4 5 9 5 45, इसको काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 3 0 6 5 30 0, 29 से 260 में, यानी कि 30 से अगर काट लेते हैं तो 30 से कितना बार में लगेगा, 7 3 21 7 4 28, 280 होगा, तो 7 3 21, 7 को 7 बार में, ठीक है, तो 7 आ जाएगा यहाँ, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर इसको हम लोग भाग लगाते हैं 16 से, तो 16 एकम 16 होगा, मतलब कि 16 दहाई के 160, और 10 पॉइंट यहाँ समथिंग आएगा। ओके, अब इस चारों में से देखिए कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है, तो हमको तो 10 पॉइंट समथिंग यही सबसे बड़ा लग रहा है, यानी कि 17 बट्टा 160। सो राइट आंसर क्या होगा, 17 बट्टा 160, 4 नंबर, ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट समथिंग है, और ये 4 पॉइंट, ये 6 है, ये 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 17 बट्टा 160। आगे बढ़ते हैं, 12, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, 97 होता है। ओके, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप 97 को तोड़कर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य क्या होता है, 97। ऐसे हम लोग टाइप थ्री के प्रश्न को भी देखे थे, तो उसमें ऐसा एक प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 क्या कहता है, 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब क्या कि 100 में कोई एक संख्या से गुणा किया जाए ताकि संख्या 15 की अपवर्त्य हो जाए। अब 15 की अपवर्त्य मतलब क्या, 15 से वो संख्या कट जाए, छोटी संख्या लगाना है, ठीक है। अगर हम लोग सबसे छोटी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं 2 है, तो क्या हो जाएगा, 200, 200 क्या 15 से कट रहा है, देख लीजिए 15 एकम 15, फिर 5 0 15, ये 45, फिर 4 बच रहा है शेष 5, तो ये तो नहीं कटा। उसके बाद क्या लेते हैं, तीसरा नंबर 3, तो 100 गुना 3 कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 15, 15 दूना 30, यानी कि 20 बार में कट जाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, 3। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए 14, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 7 से तथा 11 से विभाजित करने पर शेष 3 और 7 बचता है। हमको क्या बताना है, छोटी से छोटी संख्या, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में छोटी संख्या क्या है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2 नंबर, ठीक है, मतलब कि छोटी संख्या कहने का मतलब कि 2 नंबर ऑप्शन जो है छोटी संख्या है। ओके, उसके बाद अगर ये इस पर हम लोग पहले अप्लाई करेंगे जो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग कहता है, अगर ये नहीं होगा तो उसके बाद क्या, इससे बड़ी संख्या क्या होगा, 80, 80 को देखेंगे, ये नहीं होगा तो उसके बाद क्या देखेंगे,
93, और नहीं हुआ तो सबसे लास्ट में देखेंगे 150। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 73। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वह छोटे से छोटे संख्या क्या लिए 73, जिसको 7 से भाग दिए तो कितना बचना चाहिए शेष 3। तो देखते हैं 7 से भाग करके 7 दहाई के 70, यानी कि इस कंडीशन में 3 शेष बच रहा है। ओके, फिर एक और कंडीशन हमको बोला है, क्या कहा है कि अगर 11 से भाग दिया जाए तो 11 से 73 को भाग करेंगे तो 11 6 66। ओके, तो कितना बचेगा 4 3 7, तो शेष कितना बचा 7। क्या कहता है कि 11 से यदि विभाजित करने पर शेष कितना बचना चाहिए 7। जी हाँ, यहाँ पे 3 बचा एक कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में 7 बचा। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15, 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या पूछी है, ठीक है 41 से। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 41 से भाग लगा कर देख लेंगे। ओके, तो 5 अंकों की छोटी संख्या, तो पहले तो सबसे छोटी संख्या ये है 1 2 3 4 5, तो पहले तो 3 नंबर ऑप्शन को ही चेक किया जाए। 41 से लगाइए भाग, 41 से कम 41, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये 9 में से 4 जाएगा 5, ऊपर से 0। 41 से कितना बार में हम लगा सकते हैं, तो 41 से कितना बार में लगा सकते हैं, देखिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि सबसे छोटा क्या है, ये 3 नंबर ऑप्शन। ओके, इसलिए पहले 3 नंबर को ही चेक कर रहे हैं। तो फिर कितना बार में लगाएंगे 41 से इसको, 40 5 200, और 40 5 मतलब 40 दहाई के 11 से लगा लीजिए। अच्छा सॉरी, 41 से हम यहाँ पे तो 2 बार लगा ही सकते थे, सॉरी। तो यहाँ कितना हो जाता 2, और यहाँ कितना हो जाता 4 2 8 82। ओके, 82 में से अगर हम लोग 100 में से 82 घटेगा तो कितना आता 18, और ऊपर से 1 0 180। अब फिर हो जाता कितना 41 से, तो 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 10 में से 4 जाता तो कितना बचता 10 में से 4 तो 6, ये 7 में से 6 तो 1, ये कट जाता ऊपर से 4। फिर लगाते 4 बार में तो ये 164 तो आ गया, ये तो कट गया, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होगा जो 41 से विभक्त है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 16, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ओके, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमको बतानी है। तो देखिए 0.7 है, 0.7 पे एक रिंग है, 0.07 पे एक रिंग है, और 0.07 पे एक रिंग है। ओके, यहाँ पे दोनों पे एक रिंग है, यहाँ सिंगल पे एक रिंग है। तो हमको बताना है अगर हम लोग इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो इसको हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 1 0, यहाँ क्या आएगा 1 0, 7 बट्टा 10। अगर इसको हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कैसे हटता है, ठीक है। जब रिकरिंग लगा हो तो इसी प्रकार पॉइंट नहीं हटता है, ठीक है। रिकरिंग हटाने का मतलब है कि देखिए कै गो अंक है पॉइंट के बाद, एक अंक है, तो जय गो अंक है तय गो 9, यानी कि 7 बट्टा 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग हटाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा देखिए ना, कै गो रिकरिंग है पॉइंट के बाद, 2 गो अंक है तो 2 गो, सॉरी कै गो अंक पे रिकरिंग है तो 1 अंक पे रिकरिंग है तो 1 9। ओके, और हमसे क्या देखना है कि कै गो अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो कै गो अंक पे रेकरिंग नहीं है, एक गो अंक ऐसा है दशमलव के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो उस पे क्या करेंगे 1 0 बैठाएंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है और दोनों पे रेकरिंग है तो 2 गो 9। ओके, हो गया। चलिए 7 बट्टा 10, 7 बट्टा 9, 7 बट्टा 90, और यहाँ 7 बट्टा 99। अगर हम लोग इसको अपने मन से 1 1 0 ले लें, ओके, तो हमको पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे तो सबसे बड़ी संख्या ये आएगा 9 8 72, 9 8 72, 9 7 देखिए ये तो पूरा पूरी कट गया 1 0 से 1 0, यानी कि 7 बार में 9 7 63 होगा पॉइंट, 63 के बाद यहाँ कितना आ जाएगा 63 और 7 0, फिर 9 7 63, यहाँ आएगा 7.7, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और ये तो फिर ऊपर में छोटा वैल्यू है, नीचे में बड़ा वैल्यू है, तो ये भी 0 ही पॉइंट समथिंग देगा, ठीक है, पॉइंट जो भी आए, यानी कि यही तीनों में हमको देख रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 7.7। 7.7 किसका है, 0.7 पे रेकरिंग, 0.7 पे रेकरिंग मतलब क्या 4 नंबर। ओके,
तो दोस्तों समझ गए होंगे प्रश्न को, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो भी प्रश्न है अब हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।